हिमाचल की 3 सीटों पर अगर काउंटिंग की बात करते हैं तो देहरा से सीएम सुक्खू की पत्नी फिलहाल पीछे चल रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त लेकिन बनाई हुई है, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए पहाड़ों की अगर बात करते हैं, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, लोकसभा चुनाव में सभी सीटें बीजेपी के खाते में दी, लेकिन अब ऐसे में उपचुनाव में भी अगर ये सीटें बीजेपी के खाते में जाती तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए बड़ा झटका होगा। और ऐसे में जाहिर तौर पर जरूरी है दोनों ही पार्टीज के लिए तो इन उपचुनाव में सीटों को जीतना। और बिहार में उपचुनाव की अगर बात करते हैं, निवर्तमान विधायक भीमा भारती के इस्तीफे के कारण जरूरी हो गया था यहाँ पर चुनाव। पूर्व में कई बार जेडीयू के प्रत्याशी के रूप में सीट उन्होंने ये निकाली, हालांकि हाल में पार्टी छोड़ी और फिर आरजेडी की टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ से पप्पू यादव चुनाव जीत गए। अब फिर से रूपौली से आरजेडी की प्रत्याशी है, और देखिए इस बार अब जाहिर तौर पर साफ दाव पर लगी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ में जमकर प्रचार किया है, तो माना यह जा रहा है कि यहाँ पर वो डेंट कर सकता है यहाँ आरजेडी की प्रत्याशी को। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, देहरा सीट पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया। भाजपा के होशियारपुर सिंह के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा है। सिंह उन 9 विधायकों में से एक है जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया था, यानी कि क्रॉस वोटिंग की थी। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, अगर वो चुनाव जीते हैं तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी से एक बढ़त के तौर पर दिखाएगी। देखिए साहब, इनके अपने ही लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं और इसकी वजह इनकी नीतियां, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास में अगर ये सीट नहीं आती है तो ये एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा, जाहिर तौर पर दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो वहां पर टीएमसी वर्सेज बीजेपी की बात होगी, हिमाचल की बात होगी तो हिमाचल वर्सेज कांग्रेस, हिमाचल में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात होगी। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर आरजेडी वर्सेस जेडीयू की बात हो रही है। अब मुकाबले में जीतता कौन है, किसका पलड़ा भारी होता है, ये तस्वीरें 12 से 1 के बीच में क्लियर हो जाएंगी।